हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल पर, उनके बिहाफ पर हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स का करने जा रहे हैं एंड इट वाज स्टैन गेरलक एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली आज इसकी हम कंप्लीट थ्योरी करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। टिफर का एक क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया था, उसका सोल्यूशन भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। सो स्टर्न गेरलक एक्सपेरिमेंट, देखिए ये एक्सपेरिमेंट 1921 में किया गया था टू जर्मन फिजिसिस्ट के द्वारा, वन इज स्टर्न एंड अनदर इज गेरलक। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि एक्चुअल में एटम का एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी एग्जिस्ट करता है एंड इट वॉज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, उसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि स्पिन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बेसिकली सबको पता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स दे शुड पॉजेस सम एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है अगर उसको हम लोग कंसिडर करें थ्योरेटिकली तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर हम लोग यहाँ पर स्पिन फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, जो कि डिरैक ने क्वांटम मैकेनिक्स में जो है इंट्रोड्यूस भी किया था स्पिन को, 1925 के लगभग की बात है, तो उसको कंसिडर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इस पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले देखो, इसके अंदर स्टैन गेरलक एक्सपेरिमेंट का अगर मैं मेन ऑपरेटर्स की बात करूँ तो एक ओवन में, ठीक है ना, एक ओवन में सिल्वर एटम्स को यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, देर आर सिल्वर एटम्स और सिल्वर एटम्स को यहाँ पर पास करवाया जाता है। बेसिकली जब आप इसको पास करवाएंगे तो इसे इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाना होता है। उसका रीज़न क्या है वो भी हम लोग आगे जा करके देखेंगे, फिलहाल के लिए हम यहां पर इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर देते हैं। सो दिस इज द इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे क्रिएट किया इसको, देखो एक जो पोल है ना वो मैंने बिल्कुल प्लेन सरफेस ले लिया और दूसरा जो है वो मैंने कनकेव शेप ले लिया, तो इससे एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड यानी एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही होगी वो यहां पर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया कि इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ही लें हम लोग, तो इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो सपोज दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके, तो इस प्रकार का आप एक फिगर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल। तो जब इसमें से जब इसको पास किया गया तो ये ऑब्जर्व किया यहां पर हमारे पास में ये ब्रेक हो जा रहा है टू पार्ट्स में, और जब यहां स्क्रीन को प्लेस किया गया तो स्क्रीन पर हमें बेसिकली टू इंटेंसिटी पैटर्न के जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें यहां पर देखने को मिले। ठीक है, सो दिस इज द इंटेंसिटी। ठीक है, एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बन रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम लोग दो बातों के बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज दैट Why you choose the neutral silver atoms for this experiment? आपने silver atoms को ही क्यों choose किया? So देखिए, इस question का answer कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि silver atom ही नहीं, आप hydrogen, lithium, sodium, potassium, gold, ये सब atoms भी आप लोग treat करके चल सकते हैं इस experiment में। और basically जो Stern और Gerlach ने experiment perform किया था तो उन्होंने silver atom को लिया था, इसलिए हम silver atom के साथ देख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन बाद में जो मैंने आपको अदर एटम्स बताए हैं, जैसे कि गोल्ड के एटम्स हैं, इसी प्रकार से हाइड्रोजन है, लिथियम है, इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट्स को करके देखा गया तो सेम रिजल्ट मिला। ठीक है, तो अभी सिल्वर एटम की क्या ऐसी खास बात है कि इन्हें लिया गया और वो भी न्यूट्रल? तो देखो, सिल्वर एटम का अटोमिक नंबर होता है 47। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो मेरे पास आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है, 4s2, 4p6, 4d10 एंड 5s1। एक बार काउंट कर लीजिए कैसा ही है ये। सो ये हो जाएगा 10, 20, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 30, देन
46 and 47th इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में हमारे पास मौजूद है। क्योंकि एस ऑर्बिटल में मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल का वैल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो, एल का वैल्यू जीरो है। और इसीलिए इसको देखो ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में एल इज इक्वल टू जीरो अगर हम लोग लेते हैं तो जितने भी फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनका मुख्य कारण जो रहेगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग सिल्वर एटम को यहाँ पर ले रहे हैं और वो भी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल लेने का कारण ये है कि अगर आपने सिल्वर आयंस लिए, मान लीजिए आपने Ag पॉजिटिव आयंस कंसिडर कर लिए इसके अंदर, और फिर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो प्लेस कर रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल हैं और इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या कह सकते हैं कि लोरेंज फोर्स एक्ट होगा। और लोरेंज फोर्स एक्ट होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि दीज आयंस आर एक्चुअली डिफ्लेक्ट। ठीक है ना, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे वेरियस डायरेक्शंस में। तो अभी देखो बाहर से हम चीज़ों को, चार्ज पार्टिकल को ले रहे हैं फिर उसको डिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो अभी ये केस तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हम ऐसा करें इस एक्सपेरिमेंट में। आप इंट्रिंसिक चीज़ों को देखना चाह रहे हैं तो एक्सटर्नली क्यों एफर्ट डालना है। आप लोग सिर्फ उसे न्यूट्रल लेकर के चलें और वो भी एल इज इक्वल टू जीरो का केस, ताकि आपको इंट्रिंसिक चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो अभी इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड लेने का क्या कारण है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, बाद में डिरैक ने 1925 में इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं जानता था। तो अभी क्या हुआ कि जब हम लोग इंट्रैक्शन एनर्जी लिखेंगे, इंट्रैक्शन एनर्जी किन की लिख रहे हैं, एटम्स की, सिल्वर एटम्स की। एक्चुअल में सिल्वर एटम्स जो हैं, एटम्स दे आर एक्ट एज द स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल्स। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं उन्हें हम एक स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह ट्रीट करके चल सकते हैं। ये आपने क्लास 12th में भी थ्योरी पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास एटम है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन हो रहा होगा, तो यहाँ से देखने पर आपको ये एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहे हैं, जबकि उस साइड से देखने पर आपको एक क्लॉकवाइज नज़र आएंगे दूसरी साइड से। ठीक है ना, तो वन एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, अनदर एक्ट एज ए साउथ पोल। ओके, तो इस वजह से हमारे पास एक मैग्नेटिक जो है डाइपोल, एक स्मॉल मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर सकते हैं। अब अगर ये स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नली, सो दैट मीन्स देर इज सम इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन दीज मैग्नेटिक डाइपोल्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू विल बी माइनस का म्यू डॉट बी वैक्टर। ये हमारे पास वैल्यू होती है, दिस इज द मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ दीज एटम्स। ओके, अभी जैसे कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानते थे लोग, इसलिए हम म्यू की जगह पर लिखेंगे म्यू एल। एंड व्हाट इज म्यू एल? म्यू एल वैक्टर डिनोट करता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को, और इसका वैल्यू होगा, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा जी एल एंड ई बाई टू एम एंड एल वैक्टर। ये हमारे पास इसका वैल्यू होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू एल। ओके, तो अभी यहाँ पर जो जी एल है, दिस इज द ऑर्बिटल जी फैक्टर, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल जी फैक्टर, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हम लोग अज्यूम करते हैं, दिस इज 1। ठीक है, और यहाँ जो हम लोग म्यू एल वैक्टर अज्यूम कर रहे हैं तो इसकी टोटली डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं एल वैक्टर पर है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी एल वैक्टर की वही इसकी डायरेक्शन है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर दोनों तरफ जो है ना एक काम करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग कंसिडर करते हैं। सो मैग्नीट्यूड वाइज आप कंसिडर कर सकते हैं, बट बेसिकली क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तो मैग्नीट्यूड वाइज आप कंसिडर ना करने की बजाय आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई बाई टू एम, ठीक है, एंड देन एल जेड एंड बी जेड, ऐसा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना। देखो जो L वेक्टर है हमने सिर्फ और सिर्फ उसका Z कंपोनेंट लिया है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम अज्यूम कर रहे हैं दैट वाज इन द Z डायरेक्शन। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में है तो Z कंपोनेंट ही आपने इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंसिडर करना होगा। ओके, तो वो हो जाएगा हमारे पास में एल जेड के कोरस्पॉन्डिंग, हम लोग लिखेंगे इसको एल जेड लिखेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो अभी बेसिकली एल वैक्टर की जगह पर हमने लिख दिया एल जेड, ठीक है, एल एल वैक्टर को आप लिख सकते हैं एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि जेड डायरेक्शन में है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एल जेड का वैल्यू कितना होता है? सो द वैल्यू ऑफ एल जेड, द वैल्यू ऑफ एल जेड वुड बी, ये हमारे पास होता है एम एल एच कट, ठीक है, एम एल एच कट एंड दिस इज बी जेड। तो बेसिकली ये जो ई एच कट बाई टू एम है इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन,
तो यहां से आ जाएगा माइनस एम एल एंड दिस इज म्यू बी एंड बी जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स आप पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कह सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी से आप जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन दीज सिल्वर एटम्स व्हेन यू प्लेस इट इन द इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी आप लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट फोर्स इन द जेड डायरेक्शन विल बी गिवन एज माइनस का डी यू बाय डी जेड, ठीक है। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा एम एल म्यू बी एंड दिस इज डेल बी जेड बाई डेल जेड, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। अभी इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड लेने का कारण क्या है वो आपको पता चलेगा। जेड के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड आप वेरी नहीं करवाओगे तो एक्चुअल में ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल। उसका फोर्स जो लगेगा उसके ऊपर वो जीरो लगेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, देखो, कि फोर्स उसके ऊपर जीरो लगे। फोर्स ही जीरो लगेगा दैट मीन्स वो आगे नहीं जा पाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी जेड के साथ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाना बहुत जरूरी है ताकि सिल्वर एटम्स को आगे भेजा जा सके, ठीक है, इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड से पास हो। और फिर जब ये डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, तो डिफ्लेक्शन अब कितने पॉसिबल हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन तो होगा यहाँ पे इस फोर्स की वजह से जेड डायरेक्शन के अंदर, लेकिन वो डिफ्लेक्शन जब होगा तो हमें कितने नंबर ऑफ स्पॉट्स नजर आने चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो एम एल की डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली, और टोटल कितनी वैल्यूज, 2L+1। अब इस पर्टिकुलर केस में सिल्वर एटम्स के लिए L का वैल्यू कितना है, जीरो के इक्वल है। तो अगर यहां जीरो रखेंगे तो मेरे पास आएगा ओनली एंड ओनली वन। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई ना आपको फोर्स की, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है लगने के कारण डिफ्लेक्शन होगा उस चार्ज हमारे पास में उस सिल्वर एटम का, और सिल्वर एटम का जब एक डायरेक्शन में होना चाहिए तो एक ही स्पॉट नजर आएगा आपको, ओनली सिंगल स्पॉट यू विल गेट, ओके। तो ये थोड़ा सा क्लासिकल ट्रीटमेंट है। अभी जब हम देखो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कोई इंट्रिंसिक हमने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंटली क्या हमें सिंगल स्पॉट नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, हमें तो टू स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। तो अब इसका रीजन हम लोग कैसे देंगे, ठीक है। तो पहली बात यह है कि इनहोमोजिनस मैग्नेटिक फील्ड लेने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि डेल बी जेड बाई डेल जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑन दीज एटम्स वुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर इनहोमोजीनस, ठीक है, एफ नेट इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क भी लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है ना इस केस में, तो टॉर्क भी एक्ट करेगा इस केस में, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अभी जो है, अब ये टू स्पॉट्स का रीजन क्या है तो मैं उसके बारे में बताता हूं। देखो आपको बेसिकली डिरैक ने 1925 के लगभग स्पिन के बारे में बताया कि जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है सन के चारों तरफ, और हम उसका सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ही नहीं बल्कि हम लोग उसका स्पिन फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिनिंग कर रही होती है। तो सेम कहानी जो है वो हमारे पास इसके अंदर होगी एटम्स में। तो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट दे आर ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इस वजह से हम लोग स्पिन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के फिर करेक्टरिस्टिक्स बताए गए, स्पिन के क्या हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं और किसको ध्यान में रखते हुए, इस एल वेक्टर को ध्यान में रखते हुए सेम टू सेम चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और इवन कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास उसी प्रकार की दी गई हैं वैल्यूज़, ठीक है। सो एस का जो वैल्यू रहेगा फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू हाफ, और जब आप स्पिन फैक्टर को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर म्यू एस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसका ऐसा ले सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा एफ जेड, अब ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एम एस, ठीक है, एम एस, और यहाँ पर होना चाहिए म्यू बी, और यहाँ पर हो जाएगा डेल बी जेड बाई डेल जेड। देखो अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक जी एस और आना चाहिए ना फैक्टर। देखो एक्चुअल अगर मैं बताऊँ तो फॉर्मूला ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर L का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और आपने स्पिन फैक्टर भी यहाँ इंक्लूड किया है, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आपने कंसिडर किया है, तो एटॉमिक फिजिक्स में आता है कि जो L वेक्टर है और S वेक्टर है वो एक एटम के अंदर क्या करते हैं, आपस में कपल करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, और इंट्रैक्ट करने के बाद हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम J मिलता है। तो आप इस फोर्स को टोटल एंगुलर मोमेंटम J के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब एम जे म्यू बी डेल बी जेड बाई जेड और इसके बाद यहाँ जी जे, तो जी फैक्टर हो जाएगा ना। तो अभी ये जो वैल्यू है हम लोग यहां कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एल का वैल्यू पर्टिकुलर इस केस में जीरो के इक्वल है।
तो अगर L का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब J लिख लो चाहे S लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। J इज इक्वल टू L प्लस S होता है, ठीक है, आफ्टर इंट्रैक्शन, हम लोग इंट्रैक्शन जब स्टडी करते हैं तो J का वैल्यू होता है L प्लस S, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होगा। तो बेसिकली J का वैल्यू जो है ना वो S के इक्वल ही है, क्योंकि L का वैल्यू जीरो है इसलिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ S लेने लग रहे हैं तो ऐसी कोई मतलब नहीं है केस कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज L का वैल्यू जीरो है इस केस में। अब ये जो जी एस फैक्टर है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो जी एस स्पिन डीजनरेसी फैक्टर बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू होता है 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखो ये थ्योरेटिकली मैंने बताया है इसका वैल्यू 2 है, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू 2.00 समथिंग लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसका 2, बट आप इसको ट्रीट करके चल सकते हैं थ्योरेटिकली। अब जो ms का वैल्यू होगा, सो ms का वैल्यू हो सकता है यहाँ पर 2s प्लस 1 टोटली, है ना, 2s प्लस 1 हमारे पास टोटल वैल्यूज होंगी, और क्योंकि s का वैल्यू हमारे पास हाफ के इक्वल है तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस का 1, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास आएगा 2। दैट मीन्स हमारे पास 2 डिस्क्रीट वैल्यूज हमें मिलने वाली है, ठीक है। आप ऐसा भी समझ के चल सकते हैं कि जब z कंपोनेंट में हम लोग बात कर रहे हैं ना, sz कंपोनेंट की हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं z डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी z डायरेक्शन में है और ms h कट जो आप यहाँ लिख पा रहे हैं वो भी z डायरेक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं। तो z डायरेक्शन में जब sz की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें हमें 2 आइगन स्टेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। वन इज स्पिन अप, आप इसको स्पिन अप कह सकते हैं, एंड अनदर वन इज स्पिन डाउन, ठीक है, स्पिन डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला देगा मेरे को आइगन वैल्यू एच कट बाय 2, और ये देगा मेरे को आइगन वैल्यू माइनस एच कट बाय 2। सो दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेबल एस जेड। एस जेड ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंगली जब मेजर किया जाएगा तो ये वैल्यूज एच कट बाय 2 और एच कट माइनस एच कट बाय 2 आपको ये वैल्यूज देता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो 2 डिस्क्रीट वैल्यूज मिली, इसलिए 2 हमें स्पॉट्स नजर आए यहाँ पर, ओके। और एम एस का वैल्यू कितना होना चाहिए, एम एस का वैल्यू वैसे अगर हम देखें तो प्लस माइनस हाफ एच कट होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ ये जो एच कट है ना वो देखो इस म्यू बी के अंदर ही मैंने इंक्लूड कर दिया, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा एफ जेड का वैल्यू ये हाफ, और ये जो जी एस वाला हाफ ये 2 था ना, ये एक्चुअल में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट आएगा एफ जेड का वैल्यू प्लस माइनस एंड देन वी हैव म्यू बी, ठीक है, डेल बी जेड बाई डेल जेड, ये वैल्यू आपके सामने आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द जेड डायरेक्शन। तो बेसिकली 2 डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, 2 स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये 2 स्पोर्ट का रीजन था। तो 2 स्पोर्ट्स जो है वो हमें मिल पा रहे हैं, इसका मतलब दिस इज अ डायरेक्ट एविडेंस कि हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका यहाँ थोड़ा सा आइडिया आपको मिला, ये बहुत ज़रूरी था। स्टैन गैलेक एक्सपेरिमेंट एक एविडेंस देता है किसके बारे में, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, या आप कह सकते हैं कि स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में भी इसने हमें बताया था, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, एच कट बाय 2 आइगन वैल्यू इधर की तरफ माइनस एच कट बाय 2, तो देखो ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, दिस एंगल शुड बी सपोज थीटा 1, ओके, और ये एंगल भी कुछ ना कुछ होगा, दिस एंगल इज थीटा 2। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट दीज 2 वैल्यूज, ओके, वन इज थीटा 1 एंड अदर इज थीटा 2। तो ये कितने एंगल के ऊपर जा रहे हैं ना, ये वैल्यूज आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग एक बार बात करते हैं। सो बेसिकली इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ ऐसा ट्रीट करके चल सकते हैं, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, प्लस एच कट बाय 2 इधर की तरफ माइनस एच कट बाय 2। तो बेसिकली जब आप इसको प्रोजेक्शन डालते हैं ना जेड एक्सिस के ऊपर, इफ़ यू प्रोजेक्शन इस प्रकार से डालेंगे, इधर भी एस वेक्टर है इधर भी एस वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो प्रोजेक्शन डालने पर ये जो वैल्यू हमें देता है ना, दिस वैल्यू इज एक्चुअली यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एम एस के इक्वल, ठीक है, एम एस के वैल्यू हमारे पास इक्वल ये रहेगा एम एस एच कट, बल्कि क्योंकि z डायरेक्शन में हमारे पास ये प्रोजेक्शन है ना, इस वजह से z डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होने के कारण इसका वैल्यू कितना होगा एम एस एच कट, और ये कितना है s वेक्टर है। तो अभी देखो जैसे ये एंगल आपने फाइंड आउट करना था ना, दिस एंगल इज सपोज थीटा 1, आप इसे थीटा अज्यूम कर लीजिए अभी के लिए, ठीक है, चलिए थीटा 1 अज्यूम कर लेते हैं, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल वुड बी थीटा 2। सो यू हैव टू मेजर दीज वैल्यूज, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर sz कितना है एम एस एच कट, जिसका आप वैल्यू लिख सकते हैं एच कट बाय 2 बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा, दिस वॉज एस जेड इज इक्वल टू माइनस का एच कट बाय 2, ओके। तो अभी आप इस फिगर को थोड़ा सा देखिए,
आप क्या ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ थीटा ट्रीट करके चलें, अभी फिलहाल के लिए इसे थीटा ट्रीट करके चलते हैं, तो कोस थीटा का वैल्यू देखिए ध्यान से, कोस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, आप यहीं से देख लीजिए स्ट्रेंगल से, दिस इज 90 डिग्री, कोस थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास में बेस, तो बेस हमारे पास है ये, और इसका वैल्यू कितना है एम एस एच कट, तो यहाँ लिखेंगे एम एस एच कट डिवाइड बाय, फिर इसके बाद देखो ये वाला हाइपोटेनस है एंड हाइपोटेनस गिव्स मी द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम और बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कंसिडर करना पड़ेगा ना इस केस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू शुड इक्वल टू एम एस एच कट डिवाइड बाय, यहाँ पर हो गया अंडर रूट में एस ऑफ एस प्लस वन एंड एच कट, तो बेसिकली ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया, और एम एस का वैल्यू एक बार आप प्लस हाफ रखेंगे, ठीक है, ये वाला आपको एंगल निकाल करके देगा वो थीटा वन, और एक बार जब माइनस हाफ रखेंगे तो आपको थीटा टू कैलकुलेट करके देगा ये, ओके। तो एक बार आपने क्या रखना है प्लस हाफ, दूसरी बार कितना रखना है माइनस हाफ, और एस का वैल्यू तो हाफ हमारे पास रही, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो टू एंगल्स आपको नजर आने वाले हैं, वन इज थीटा वन एंड अनदर इज थीटा टू। तो बेसिकली ये मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ लगभग कितना आएगा सोल्व करने पर, क्योंकि ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो वन इज 54.7 डिग्री आता है लगभग, और दूसरी वैल्यू 125 डिग्री के ऑलमोस्ट आती है, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 55 डिग्री एंड 125 डिग्री। तो ये हमारे पास टू एंगल सामने आते हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि म्यू एस का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एस इज इक्वल टू हाफ, जो कि इस केस में लाई कर रहे हैं ना, एस इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो म्यू एस का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो म्यू एस का वैल्यू हमारे पास होगा यहां पर, ठीक है, जी एस एम एस, ठीक है, और आप बेसिकली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिख दीजिए जी एस एंड इसके बाद ई बाय टू एम एंड देन वी हैव एस वेक्टर, और जब आप मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स जी एस ई बाय टू एम एंड देन वी हैव अंडर रूट में एस ऑफ एस प्लस वन, और यहाँ से हो गया एच कट, ठीक है, ये मेरे पास आया। और ई एच कट बाय टू एम को हम लिख सकते हैं म्यू बी के इक्वल, तो ये हो जाएगा जी एस म्यू बी एंड अंडर रूट में एस ऑफ एस प्लस वन, ठीक है। ये स्पिन डिजनरेसी, ये जो स्पिन फैक्टर है हमारे पास, इसका वैल्यू कितना होता है 2 के इक्वल, तो इसको 2 लेंगे, नेक्स्ट इज म्यू बी, और फिर यहाँ पर एस का वैल्यू हाफ लेंगे तो हाफ ऑफ हाफ प्लस 1 हो गया, दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा 2 म्यू बी इन टू में रूट 3 बाय 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो आवर आंसर विल बी अंडर रूट 3 म्यू बी। तो ये वैल्यू आप देखो ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एटॉमिक फिजिक्स में आता है ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, और वो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही ये इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा सिल्वर एटम, तो वैसे ही हमारे पास में ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय दीज सिल्वर एटम्स आफ्टर दे आर गोइंग फ्रॉम द, आफ्टर दे लीव द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो क्या कैलकुलेट करना है आपने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिल्वर एटम्स After they leave the inhomogeneous magnetic field, तो ये value calculate करना ज़्यादा important है, because देखो एक तो formula आपका directly इस formula पर बनता है fz का value, fz का value आप ऐसा भी लिख सकते हैं mass into acceleration in the z direction। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में इसको बोलते हैं देखो magnetic field gradient, ये आपको या तो दिया रहेगा या आपसे find out भी करवा सकता है, ये acceleration आपसे find out करवा ले z direction में, force z direction में calculate करवा ले, you have to use this formula, ओके। बट अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ट्रेवल्ड बाय दीज एटम्स आफ्टर दे लीव द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है उस पर बात करते हैं। द नेक्स्ट इज डिस्टेंस अप टू विच एटम्स डिफ्लेक्ट, ठीक है, आफ्टर दे लीव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो z इज इक्वल टू यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर, यू टू अप्लाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं पाथ जो है वो स्ट्रेट है, दैट्स वाई यू कैन यूज दिस इक्वेशन। इनिशियली आप देख सकते हैं कि जो z डायरेक्शन में वेलोसिटी था इनिशियली, ठीक है, किसका, सिल्वर एटम्स का, वो कितना है जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा प्लस में हाफ, और जो z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फोर्स, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा यहाँ से दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जी एस देन एम एस देन म्यू बी
डेल बी जेड बाई डेल जेड, ये तो फोर्स आ गया, और फोर्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, मास से, ठीक है, फोर्स को मास से हमने डिवाइड कर दिया ना, तो जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, एंड देन वी हैव टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का आप लिख सकते हैं डी बाय वी का होल स्क्वायर। ये जो डी है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिल्वर एटम्स। तो व्हाट इज डी हियर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिल्वर एटम्स, एंड वी क्या है हमारे पास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ सिल्वर एटम्स, ठीक है, सिल्वर एटम्स। तो आपने ये पता कर लिया कि z डायरेक्शन में जो हमारे पास एटम्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आफ्टर दे लीव द मैग्नेटिक फील्ड, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो पैरामीटर्स आपके सामने आ रहे हैं इनका वैल्यूज आपको पहले से दिया रहेगा, जैसे देखो जीएस का वैल्यू तो 2 है, एमएस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, तो ये वैल्यू आपको नहीं देगा, म्यूबी का वैल्यू भी आपको दिया नहीं रहेगा, इसका वैल्यू भी हमें पता रहना चाहिए 9.27 × 10⁻²⁴ जूल पर टेस्ला, ठीक है। और ये जेड के साथ जो है हमारे पास वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड का है, तो इसे आपको दिया रहेगा मैग्नेटिक ग्रेडियंट की टर्म्स में ना, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो डायरेक्टली जो अगर मैं बात करूँ ना, इस पर जो न्यूमेरिकल बन सकता है वो फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास बनता है, लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो फिर इसमें थोड़ा सा जो है ना ट्विस्ट डाल देते हैं क्वेश्चंस में, फिर आइगन स्टेट, आइगन वैल्यूज, प्रोबेबिलिटीज, इनकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया थोड़ा सा हम लोग लेते हैं, जैसे कि अज्यूम कर लो कि हमने यहाँ पर जो है ना एक डिटेक्टर प्लेस कर दिया, और हमने यहाँ पर एक डिटेक्टर प्लेस कर दिया, मैं क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर हमने प्लेस किया, लेट अस कॉल दिस एज D1, और इसको हम लोग D2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। D1 डिटेक्टर की एक कैपेबिलिटी है कि वो जेड कंपोनेंट जो है ना स्पिन का, वो मेजर कर सकता है, इट कैन मेजर द जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जबकि जो D2 है, ठीक है, D1 क्या मेजर कर रहा है, एस जेड का वैल्यू, और जो D2 है ये किसको मेजर करेगा, D2 मेजर कर रहा है मान लीजिए एक्स कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन पूछा गया दैट व्हाट आर द आउटकम्स क्या आपको देखने को मिलेंगे, व्हाट आर द आउटकम्स। सो बेसिकली आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि यहां से देखो एस जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस का एच कट बाय 2, डिटेक्टर से पास होने के बाद भी मुझे वही मिलने वाला है, ऐसा क्यों है, उसका एक रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो एस जेड जो है ना वो एस जेड के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है, एस जेड के साथ ही क्या करता है, कम्यूट करता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों का हमारे पास जो आइगन स्टेट है ना, दैट वाज कॉमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है क्वांटम मैकेनिक्स में, इफ टू कम्यूटेटर ब्रैकेट्स जो है अगर उनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 के इक्वल आता है, मतलब दे कम्यूट विद ईच अदर, सपोज वी हैव टू ऑब्जर्वेबल्स, वन इज ए एंड अदर इज बी, हमारे पास मान लीजिए 2 ऑब्जर्वेबल्स हैं ए और बी, और आपने क्या किया जब इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व किया तो मान लीजिए वो कितना रहा है 0 के इक्वल, दैट मीन्स वी से दैट कि दीज 2 ऑब्जर्वेबल्स कम्यूट विद ईच अदर, और अगर ये कम्यूट करते हैं इसका मीनिंग होता है कि जो आइगन स्टेट है दिस इज कॉमन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमें रिजल्ट पहले मिल रहा था ए के लिए वही बी के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इनके कॉमन आइगन स्टेट हैं, तो बेसिकली अगर यहां से देखो एच कट बाय 2 आएगा तो इधर भी कितना आएगा, एच कट बाय 2 आएगा, ठीक है, एच कट बाय 2, इधर भी कितना, एच कट बाय 2। तो ये पॉसिबली आउटकम आपको यहां से देखने को मिलेगा फ्रॉम द डिटेक्टर D1, क्योंकि एस जेड का वैल्यू मेजर करके दे रहा था, और एस जेड का वैल्यू जो है वो हम पहले भी देख रहे थे कि कितना आ रहा है, प्लस एच कट बाय 2 इस आइगन स्टेट के अंदर, एस जेड और ये स्पिन अप। जब यहां D2 की बात हम लोग करेंगे तो हम ये जानते हैं कि एस जेड और एस एक्स ये दोनों जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं एस जेड का एस एक्स के साथ अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे तो ये वैल्यू आता है आयोटा एच कट एंड एस वाई, ठीक है, ये हमारे पास आता है, इट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कम्यूट नहीं करेंगे तो आइगन स्टेट जो है वो कॉमन नहीं होंगे, और अगर आइगन स्टेट कॉमन नहीं होंगे तो डिटेक्टर D2 से पास होने के बाद ये एटम सुपर पोजिशन स्टेट में होंगे। अब सुपर पोजिशन स्टेट में जब ये एग्जिस्ट करेंगे दैट मीन्स 2 पॉसिबल आउटकम आपको यहां से मिलने वाले हैं। 2 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से मिलेंगे, 1 कोरस्पॉन्ड टू एस एस इज इक्वल टू एच कट बाय 2 प्लस एच कट बाय 2, एंड अनदर आउटकम इज एस एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट बाय 2। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, बिकॉज एस जेड और एस एक्स डज नॉट कम्यूट विद ईच अदर, दैट्स वाई यहां पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहने का मतलब ऐसा समझ लो एक तरीके से कि यहां इस केस में जो एस जेड है ना वो तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है उसका, प्लस का एच कट बाय 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि देर इज नो अनसर्टिनिटी प्रेजेंट इन द एस जेड, ओके, तो ये वैल्यू 0 है, अनसर्टिनिटी इन द एस जेड विल बी 0,
ठीक है, लेकिन जब एस एक्स का आप मेजरमेंट कर रहे हैं और वो हमारे पास में जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, बिकॉज देज आर नॉट कम्यूट विद ईच अदर, तो अगर ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जरूर नहीं ये इसका भी वही हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर द टू पॉसिबल आउटकम्स विल बी प्रेजेंट, वन इज एस एक्स इज इक्वल टू प्लस एच कट बाई टू एंड अनदर इज माइनस एच कट बाई टू, ठीक है। थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड टिफर ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हाट टिफर आस्क्ड इन 2015, इट इज गिवन टू यू दैट द सिस्टम हैज टू ऑब्जर्वेबल्स, वन इज ए एंड अदर इज बी, ए जब हमारे पास स्टेट अल्फा वन पर ऑपरेट होता है तो हमें जो आइगन वैल्यू मिलता है इट इज ए वन, इन द सिमिलर वे अल्फा टू पर ए टू, इसी प्रकार से बी ऑब्जर्वेबल जब स्टेट बी वन पर ऑपरेट होता है तो हमें आइगन वैल्यू मिलता है बी वन, इन द सिमिलर वे यहाँ पर बी टू, ठीक है, और बीटा वन बीटा टू जो है वो रिलेट कर रहे हैं अल्फा वन अल्फा टू से कुछ इस प्रकार से। अब देखो जब ऑब्जर्वेबल ए के लिए जब मेजरमेंट किया जाता है तो रिजल्ट हमें मिलता है ए वन, आप देख सकते हैं साफ साफ जिस समय रिजल्ट ए वन मिल रहा है उस समय जो सिस्टम का जो स्टेट है दैट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय अल्फा वन, है ना, अल्फा वन जो है ना इससे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो सिस्टम इस स्टेट में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब ऑब्जर्वेबल बी को आप लोग मेजर करेंगे और मेजरमेंट के दौरान आपको रिजल्ट बी वन मिल जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, मीनिंग ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट वुड बी बी वन, ये कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है बी के लिए। अभी देखो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ए का जो आइगन स्टेट्स हैं वो डिफरेंट है, बी की आइगन स्टेट डिफरेंट है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कम्यूट तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कम्यूट नहीं करेंगे दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी दिस डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनके कॉमन आइगन स्टेट इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये मान लो जीरो के इक्वल होता तो हम ऐसा कहते कि जो हमारे पास में मेजरमेंट जो ए के लिए किया गया है और रिजल्ट मुझे ए वन मिला तो बी के लिए जब मेजरमेंट किया जाएगा तो 100% चांस है कि हमारे पास में रिजल्ट जो है मतलब 100% आना चाहिए, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आएगा इस केस में, ठीक है, सर्टिनिटी आ जाती ना उस केस में, तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाता तो सर्टिनिटी आ जाती, लेकिन अभी सर्टिनिटी नहीं है, सर्टिनिटी नहीं है मेजरमेंट के अंदर बिकॉज कम्यूटेशन रिलेशन का वैल्यू कितना है नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो बी वन आइगन वैल्यू आपको चाहिए, बी वन रिजल्ट आपको चाहिए, उसके लिए जो ये बी ऑब्जर्वेबल है दैट शुड ऑपरेट इन टू दिस स्टेट बीटा वन, है ना, बीटा वन स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब सिस्टम किस में हुआ, बीटा वन जो है आइगन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बीटा वन आइगन स्टेट में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बीटा वन है ना उसे हम अल्फा वन अल्फा टू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ये रिलेशन आपको साफ साफ दिया गया है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि देखो जो अल्फा वन स्टेट था किसका था, ये सिस्टम का, हम ये पता लगा लिया ना कि ऑब्जर्वेबल ए जो है वो हमारे पास मेजरमेंट ए वन दे रहा है, इसका मतलब सिस्टम किसके अंदर है अल्फा वन में, और जब अल्फा वन में है तो अल्फा वन को हम बीटा वन बीटा टू में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज रिलेशंस, कर सकते हैं ना, तो एक बार वो करके देखते हैं। देखो आप एक काम यहां से ये कर सकते हैं, वन थिंग यू शुड डू इज दैट मल्टीप्लाई दिस बाय अल्फा टू को, देखो मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से बेसिकली, क्योंकि अल्फा वन में क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है विद द आइगन वैल्यू बी वन जब वो स्टेट बीटा वन पर ऑपरेट होता है ऑब्जर्वेबल बी, और जिस समय बीटा टू पर ऑपरेट होगा तो हमें आइगन वैल्यू क्या मिलती है बी टू, ठीक है, तो हमें अल्फा वन यहाँ से चाहिए, बीटा वन भी चाहिए, बीटा टू भी चाहिए, उसकी सुपर पोजिशन स्टेट में तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन अल्फा टू हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली होगा ये कि सेकेंड टर्म यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 बीटा 1 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 9 बाई 5 ऑफ अल्फा 1, ठीक है, और फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो 4 बीटा 2 एंड प्लस में हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 एंड अल्फा 1, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 25 बाई 5 ऑफ अल्फा 1, यानी आ जाएगा 5 ऑफ अल्फा 1, ओके, तो बेसिकली अल्फा 1 का वैल्यू मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ से तो मेरे पास आएगा 3 बाई 5 ऑफ बीटा 1 एंड प्लस में हो गया 4 बाई 5 ऑफ बीटा 2, यानी जिस समय पर ऑब्जर्वेबल ए जो है सिस्टम जो है ना सिस्टम ए जिस समय ऑब्जर्वेबल ए को आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उस समय पर वो अल्फा वन स्टेट में लाई कर रहा है,
जो कि हमें एक सर्टेन वैल्यू दे रहा है ए वन के बराबर, है ना। लेकिन जब बी ऑब्जर्वेबल के लिए आप यही चीज मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो फिर वो सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसा क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सर्टेनिटी यहां पर नहीं है। बीटा वन अगर आप मेजर करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी है इस कॉफिशियंट का स्क्वायर, दैट मीन्स 9/25, और इसको जब आप मेजर करेंगे तो आएगा 16/25। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है ना आइगन वैल्यूज जो बी वन और बी टू की है, तो सर्टेनिटी नहीं है इस केस में जब सिस्टम को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हमें बी वन चाहिए तो बी वन के लिए सिस्टम को किसमें होना पड़ेगा, बीटा वन स्टेट के अंदर होना पड़ेगा विद द प्रोबेबिलिटी व्हाट, विद द प्रोबेबिलिटी 3/5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9/25, ठीक है। तो यही क्वेश्चन टिफर ने यहां पर पूछा था, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमने स्टैन गैरलक एक्सपेरिमेंट को किया, होपफुली आपको जो है थ्योरेटिकल पोर्शन भी और ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए रहेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं वो फॉर्मूला रहेंगे, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज ओनली, ठीक है। तो होप आपको अगर ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।